हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं रोज़ अपना वीडियो शुरू करती हूँ। हरि ओम नारायण हरि। अब मैंने देखा है कि YouTube वीडियोज़ पर कुछ लोग मेरे ही इन अक्षरों तीन मंत्र अक्षरों का मंत्र है उसकी नकल करने लगे हैं, और लोग कई वीडियोस में जो यूट्यूबर हैं वो मेरे इस टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अच्छी भाव अच्छे विचार तो फैलना ही चाहिए, किसी भी माध्यम से फैले, क्योंकि अच्छा विचार जितना दूर तक फैलेगा उतना अच्छा है। तो अगर सब लोग एक दूसरे को इसी तरह की कॉम्प्लीमेंट्स देंगे कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, तो बहुत सुंदर। यूट्यूबर्स ने इस मेरी टैगलाइन को फॉलो करना शुरू किया है, मुझे बहुत खुशी हुई। हरिओम नारायण हरि। जो कर रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि कोई मेरी इस टैगलाइन का इस्तेमाल कर रहा है। करिए, खूब करिए, ताकि समाज में स्वस्थता, पॉजिटिविटी और मस्तता आए, पॉजिटिव वे में, गलत ढंग से नहीं। तो हम कार्ड्स लेते हैं, आज क्या कार्ड्स कह रहे हैं, आप जब क्या मैसेज आए, तीन कार्ड इकट्ठे आ गए, कोई बात नहीं। तो कार्ड्स देखते हैं कि आज हमें क्या मैसेज दे रही है। माँ के चरणों में बैठ के करते हैं। माँ अगर नेगेटिव भी देती है तो भी सुंदर, माँ जो करे अच्छा, हम तो ये मान के चलते हैं कि माँ जो करे अच्छा, क्योंकि माँ सरस्वती हैं, विद्या की देवी हैं, वाणी की देवी हैं, तो वो हमारे लिए कुछ गलत तो नहीं करने देंगे। देखिए, देखते हैं क्या आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है चलिए कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए पहला कार्ड ये बता रहा है, पहला और दूसरा कार्ड कोरिलेटेड है, दोनों की कोर जो है ना वो एक जैसी है, कोर दूरी। वो बता रहा है कि आप जो हैं किसी शुभ कार्य के लिए घोड़े पर सवार होकर के यात्रा पर जा रहे हैं, मतलब घोड़े पर सवार होकर मतलब किसी भी सवारी पर जा रहे होंगे, लेकिन आप बड़े जोश के साथ कहीं भिड़ना भी पड़े तो भिड़ के भी अपना काम कराएंगे। पहले तो प्लाइट रहेंगे, प्लाइटली अपना काम करने का प्रयास करेंगे, और अगर वैसा काम नहीं होता है तो आपको साम दाम दंड भेद अपनाने में भी एक सेकंड नहीं लगेगा। पहला कार्ड ये बता रहा है, क्योंकि दूसरा कार्ड आपकी इस यात्रा में आपका इतना अग्रेसिव होने का कारण भी बता रहा है। इसीलिए मैंने कहा ना कि दोनों कार्ड की कोर एक है। देखिए कोर एक है, ये दूसरा कार्ड है और ये पहला कार्ड है, दोनों की कोर एक है, कोर एक है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो आप अब यात्रा पे निकले हैं, उस यात्रा से पहले आपको बड़ा थका देने वाला, अप्रसन्नता देने वाला समय आपने बिताया है। यात्रा भी आपने बड़ी अप्रसन्नता देने वाली की है, मीन्स कि आपने कष्टकारी यात्रा की है। तो उस यात्रा में आपको बहुत तरह का भय भी रहा, बहुत तरह का आपको अप्रसन्नता भी मिली, प्लस उस यात्रा में आपको जिम्मेवारियां भी मिली, जो जिम्मेवारी आप निभाने में असफल हो रहे थे। तो अब आपने जो यात्रा करनी शुरू की वो बड़े अग्रेसिवली की, पहले तो बड़े पोलाइटली की, उसमें आपको बहुत दिक्कतों का, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब आप अपना पूरा हौसला जुटा करके, पूरी अपनी ताकत इकट्ठी करके आपने
अग्रेसिवली अपनी यात्रा शुरू की है। करो या मरो, या तो काम बनेगा या फिर सामने वाले का भी नहीं बनेगा। अब आप ऐसी स्थिति में अपने उससे निकले हैं। अब अगला कार्ड बता रहा है न्याय को, जस्टिस को, क्योंकि आप एक सच्चे व्यक्ति हैं, हालात के मारे हुए हैं, हालात ने आपको कमजोर किया है, अदरवाइज आप में विजडम की, बैलेंस की, वाणी की मधुरता की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आप अपने आप में कंप्लीट पर्सनैलिटी हैं, लेकिन हालात ने आपको उभरने नहीं दिया। अब आपने ठाना कि इन हालात को ही मैं बदल के रहूँगा। जी, पहला कार्ड इसी को डिनोट कर रहा है, इसी को डिनोट कर रहा है। बड़े ऊर्जा से भरे हुए, किसी समय पॉजिटिव और किसी समय नेगेटिव, दोनों साथ साथ पैरेलल चल रही हैं आपकी। तो आप साम दाम दंड भेद की नीति से सफलता पाए, जो अगला कार्ड बता रहा है। अगला कार्ड आपकी सक्सेस को बता रहा है, या यूं कहूं कि आपकी, आपका हुआ, आपके साथ हुआ, आपके साथ हुआ जस्टिस बता रहा है कि आपने जो परेशानी झेली, जिस परेशानी में आप रहे, जो आपने सब झेला, उसका कुछ रिजल्ट आपको दिखने लगा और वो आपके साथ होने वाला जस्टिस, आपके साथ होने वाला अच्छा समय, आपका जो अब अच्छा समय शुरू हुआ है ये लॉन्ग टाइम तक रहने वाला है, ये कम समय के लिए नहीं है। अगला कार्ड जो फोर्थ कार्ड है वो क्या रहा है, सन। सन का कार्ड है कि जो अब आपको सफलता मिलनी शुरू हुई है वो आपको इतनी दूर तक लेके जाएगी, इतनी दूर तक लेके जाएगी कि आप सूर्य की तरह चमकेंगे। और जब आप सूर्य की तरह चमकेंगे तो क्या क्या होगा, आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका नाम, आपकी, आपका गुड फेम बहुत दूर तक जाएगा, और आपका चेहरा बच्चा बच्चा पहचानेगा, आपका चेहरा दूर तक पहचाना जाएगा, आपकी वाणी, आपके मुंह से निकला एक शब्द लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। इतनी बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है और आप उस राह पर निकल चुके हैं, उस सफलता की राह पे आप निकल चुके हैं। अब ये बात किसी देश के राजा के लिए भी लागू हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, क्योंकि इशारा तो देश के लिए हो रहा है और आम व्यक्तियों के लिए भी है, ऐसा नहीं क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन हाँ कुछ कार्ड्स क्योंकि बहुत सारी बात करता है, एक लेवल की बात नहीं करता, बहुत अच्छी बात करते हैं और बड़ी कई मल्टीपल लेवल्स की बात होती है। तो आपने जो डिसीजन लिया है, बात देश की कर रही हूँ मैं, पर्सनल व्यक्ति की इस लाइन में बात देश की कर रही हूँ, तो जो भी आपने डिसीजन लिया है वो डिसीजन आपको इस दुनिया छोड़ने के बाद भी अमर रखेगा, ये डिसीजन आपकी अमरता का कारण बनेगा। शरीर की तो एक लिमिट है, लेकिन आपके इस किए हुए कार्य की कोई सीमा रेखा नहीं होगी, इतिहास में अमर होगा आपका नाम। वो कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। इस तरह का अब जो आपका पीरियड शुरू हो रहा है और जो आप फैसला लेने जा रहे हैं, ले मन में ले चुके होंगे, इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, वो आपको सूर्य से भी ज़्यादा तेज देगा आपको, समझिए मेरी बात को।
अगला कार्ड, अगला कार्ड ये बता रहा है कि जिन बच्चों की शादी होने वाली है उनके लिए कोई ऑफर लिए खड़ा है, भावनात्मक प्यार भरा कप, इमोशंस का कप, वो आपके लिए लिए खड़े हैं। एक बार उन्हें उस पर विचार करिएगा, अगर आपको सूटेबल लगे तो हाँ कर दीजिएगा, क्योंकि जो आपके लिए ऑफर ला रहे हैं और जो ऑफर जिनको स्वीकार करना है, दोनों दोनों की एनर्जीज एक ही लेवल पर है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप इस ऑफर को स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और अपने लाइफ पार्टनर का चुनाव कर लेंगे जो आपके सामने आ रहे हैं। तो शीघ्र शादी भी करिए, क्योंकि शादी में थोड़ी सी अभी देरी लग रही है, लेकिन लाइफ पार्टनर आपको मिल गया है, आप उनके साथ जो भी और जैसा भी आपका विचार है वैसा उनके साथ आप कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने अभी कहा देश की बात की, तो यह देखिए कार्ड उसी को बता रहा है कि आप एक राजा या रानी की पोजीशन में तो हैं, लेकिन डिफिकल्टीज भी बहुत हैं, बहुत डिफिकल्टीज भी हैं। उन डिफिकल्टीज को आप इस तरह काटेंगे, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है, इस तरह काटेंगे और आपके पास जो भी निर्णय लेने की बातें आएंगी वो आप बड़े सुलझे हुए निर्णय लेंगे, जिससे आपकी प्रजा को बहुत लाभ होगा। तो बड़ी ही पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, और व्यक्तिगत रूप से तो है ही जो जो भी व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन देश के लिए भी है आज की रीडिंग। देश के जो भी राजा होंगे किसी भी कंट्री में, क्योंकि ये तो ग्लोबल जाती है, तो अगर पब्लिक है तो उनके विचार, उनके फैसले को एक बार सोच करके ही अपना वो दीजिए, क्योंकि फैसला राजा का प्रजा की फेवर में है, फेवर में है। तो जितनी आज की रीडिंग आपको रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग MTR को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसमें हम फैक्ट्स की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं और जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं समाज में उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो कृपया आप मेरे उस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, आपकी सब्सक्राइब करिए, वो वांछनीय है, हमें ज़रूरत है आपके सब्सक्रिप्शंस की। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि विचार दूर दूर तक जा सके। हरिओम नारायण।